नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। आज एक बहुत जरूरी सूचना के साथ आप सभी के समक्ष मैं एक बार हाजिर हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर के जो आरओ और एआरओ की आपकी विज्ञप्ति अभी कल से लगातार देखने को मिल रही थी, आज उसका यह नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आज से ही आपके फॉर्म संबंधित सारी चीजें शुरुआत हो चुकी है। हम बात करेंगे क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से पद हैं और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, उन सभी चीजों में एज क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा है, इन सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो तीन तरीके के पद इस बार आए हैं। दो पद आपके आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर और जो एआरओ है यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, दोनों की विज्ञप्ति एक साथ है और तीसरा एक कंप्यूटर असिस्टेंट का पद आपका अलग से आया हुआ है, ठीक है, उसकी विज्ञप्ति अलग से जारी की गई है। तो तीन तरीके के आपके पद हैं, पेपर पैटर्न वगैरह पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो ये जो आपकी पूरी प्रक्रिया होनी है ये आपकी शुरुआत हो चुकी है, आज से आपकी विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, आप हर जगह वहां से प्राप्त कर सकते हैं और 17 अगस्त से आपका फॉर्म भरा जाना है, ठीक है। 17 अगस्त आज ही है, सारे लोग जानते हैं और यह आपका 16 सितंबर तक रहेगा, 17 से लेकर के 16 तक रहेगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपके लिए यही है कि आपको इसमें चूक कोई नहीं करनी है। 17 अगस्त से आपका फॉर्म भरना शुरू हो रहा है यानी यहां से और 16 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद मान लीजिए अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उन सबके लिए भी आपको लास्ट डेट जो दिया गया है कि आप फी सबमिट करें वो लास्ट डेट आपकी 17 सितंबर है। और अन्य चीजें अगर इसमें हम फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 800 रुपए फी है, ठीक है, एससी एसटी जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए 600 है और जो एआरओ के लिए आपका जो है फी है वो भी 800 रुपए है और एससी एसटी के लिए आपका 600 रुपए है। तो ये आपका फी स्ट्रक्चर है यानी 800 रुपए और 600 रुपए इस हिसाब से देना है। और इसमें जब हम बात करते हैं कि आपको जो है ऑनलाइन कब से कब अप्लाई करना है तो वहां पर आपके दोनों के लिए अलग अलग सारी चीजें दे दी गई हैं कि क्या क्या चीजें आपको करना रहेगा। दूसरी चीज अभी हम बात कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा जरूरी जो है आपके लिए कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या इसमें मांगा है। तो देखिए अगर आरओ और एआरओ साथ ही साथ कंप्यूटर असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, तीनों पद हैं, तीन तरीके के आपके पद हैं, 46 पद आपके आरओ के हैं, 350 पद आपके एआरओ के हैं और 15 पद आपके उसमें आते हैं। तो तीनों की अगर इसमें बात किया जाए, मैं आपसे आरओ के पद की अगर यहां पर चर्चा करूं तो आरओ पद के लिए जो जो मांगा है, सबसे पहले तो अगर पोस्ट की बात किया जाए तो 46 पद है इस बार, ठीक है, आरओ वाले में। पिछली बार भी जब आपकी वैकेंसी आई थी तो संस्थान के द्वारा कोर्स चलाया गया था और लगभग 8 से 10 बच्चे आरओ में सिलेक्टेड हैं इस समय, किसी दिन उनसे इंटरव्यू के जरिए आप लोगों से मुलाकात कराई जाएगी। पिछली बार जो बैच चला था तो उसमें आप यहां से जो है परीक्षा प्लस संस्थान से काफी सिलेक्शन हुआ है, उन बच्चों से किसी दिन आपको मुलाकात कराई जाएगी। आरओ की अगर बात किया जाए रिव्यू ऑफिसर की तो 46 पद है और इसमें क्या क्या मांगा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, तो बैचलर डिग्री आपको होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, सीधी सी बात है। दूसरी चीज आपका या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री कर रखे हो उन पर होगा। इसके साथ ही साथ यानी ग्रेजुएशन तो आपका चाहिए ही चाहिए, ग्रेजुएट आपका होना कंपलसरी है यानी ग्रेजुएशन चाहिए और इसके साथ आपका डिप्लोमा हो या डिग्री हो कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, या किसी भी जो है इंस्टीट्यूट से हो ना, इंस्टीट्यूशन से हो, यूनिवर्सिटी से हो, किसी से हो, या वो लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे नीलेट के द्वारा हो चाहे आपका डोएक के द्वारा हो, और या अगर आपका वो लेवल भी नहीं है तो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए या इसके बराबर आपकी कोई डिग्री होनी। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखनी है, ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल या ट्रिपल सी या डिप्लोमा या डिग्री कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। और इसके अलावा एक बात और याद रखनी है कि आपको आरओ में भी टाइपिंग देनी है, हिंदी और इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश टाइपिंग होगी जिसमें 25 वर्ड पर मिनट आपसे मांगा भी है स्पीड, ठीक है। तो इसके लिए आरओ के लिए ऐसे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरी बात आपके पास कोई डिप्लोमा हो कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, या डिग्री हो कंप्यूटर से रिलेटेड। इस पर एक वीडियो बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे कि सर हम भर सकते कि नहीं, इस पर आशीष सर के द्वारा एक वीडियो आपको लाई जाएगी कि क्या क्या इक्विवेलेंट में आपके इसमें मांगी जाती है लगातार, किनको किनको लगातार जो है यहां पर एक्सेप्ट किया गया फॉर्म भर, उस पर आपकी डिटेल में चर्चा होगी। जितने भी आपके डिप्लोमा हैं, जितने भी डिग्रीधारी हैं, जितने भी अन्य कोर्स वाले हैं तो कौन कौन एलिजिबल हैं उन पर वीडियो दी जाएगी। तो ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए अगर आप रिव्यू ऑफिसर अप्लाई करना चाह रहे हैं। और अगर हम बात करें कि जो है जो लोग एआरओ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एआरओ में भी आपका क्या किया है, एआरओ में अगर हम बात करें तो 350 पद हैं, सबसे ज्यादा पद है,
इस बार, और इसमें भी आपका एक तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि ग्रेजुएट हो, उसके बाद जो है डिग्री हो या डिप्लोमा हो कंप्यूटर आपका साइंस में, ठीक है, या अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो ओ लेवल हो नीलेट के द्वारा या डोएक सोसाइटी के द्वारा किसी के साथ, या फिर आपने ट्रिपल सी कर रखा हो, और इसमें भी आपको 25 वर्ड पर मिनट स्पीड चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग केवल होती है, 25 वर्ड पर मिनट आपके पास होना चाहिए, तो दोनों के लिए है। कम इसमें जो अगर हम आगे अभी बात करेंगे एज वाली, अगर इसमें से बात किया जाए, ठीक है, आरक्षण आपका जैसे चलता आ रहा है वैसे ही आरक्षण वाला पूरा प्रावधान किया गया है, ठीक है, 21% जो आपके एससी हैं उनको दिया जाएगा, यानी 9 सीटें उनके लिए रिव्यू ऑफिसर में और 73 सीटें जो है एआरओ में है। जो आपकी एसटी हैं 2% रिजर्वेशन, तो इनके लिए तो कोई सीट इसमें आरओ में नहीं है लेकिन एआरओ में है। जो ओबीसी है ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन है, 12 सीटें रिव्यू ऑफिसर में आरओ में, और एआरओ में 94 सीटें हैं, ठीक है, यानी अच्छी खासी सीटें हैं। जो लोग जो है इसकी तैयारी कर रहे, सिंपल सा पेपर होता है, पिछली बार के कैंडिडेट से जब मिलाया जाएगा, इस बार भी संस्थान के द्वारा बैच शुरू कर दिया गया है, वीडियो क्लास टेस्ट सीरीज आपकी शुरू है, ठीक है, और नोट्स भी बहुत जल्द उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो जो लोग तैयारी कर रहे वो लोग जो है परीक्षा प्लस संस्थान के द्वारा चलाए गया जा रहे कोर्स से जुड़ सकते हैं, आपको बहुत सारी सहूलियत मिलेगी। सबसे बड़ी चीज ये पता चल जाएगा ना कि कहां से क्या इसका दायरा होता है, कैसे पढ़ना है, वही सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें अन्य रिजर्वेशन भी आपके दिए गए हैं, जैसे वुमेन्स के लिए 20% है, ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर है इनके लिए 2% है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी बढ़िया चांस है भाई 5% दे रहा, और फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है इनके लिए 3% है, और जो स्पोर्ट्स पर्सन है 1% जो है कोटा इनके लिए भी है, तो अच्छे खासे हैं जो जो है गर्ल्स के लिए या फिर अन्य इसमें देखा जाए, ठीक है, ऐसे लोग जो एक्स सर्विसमैन है वो भी जुड़े, ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोटा निर्धारित अच्छा खासा मौका है। तो आप सारे लोग जो है इसमें देर ना करते हुए जो जो चीजें मांगी जिनके पास है फटाफट सारे लोग फॉर्म अप्लाई करिए, और फॉर्म अप्लाई करने के साथ ही साथ परीक्षा प्लस संस्थान के द्वारा बैच आपका शुरुआत कर दिया गया है, तो आप लोग उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, अभी आपके न्यूनतम शुल्क पर चल रहा। अगर इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें क्या क्या चीजें आपकी मांगी गई हैं, तो ये जो सारी चीजें हैं आपकी कि किसमें समकक्ष वाली बात आएगी, इस पर रिव्यू ऑफिसर के लिए डिप्लोमाधारी कौन कौन से लोग आपके एलिजिबल होंगे, ठीक है, ओ लेवल के इक्विवेलेंट या डिप्लोमा या डिग्री कौन कौन सी मान्य होगी, इन सभी पर आपका जो है आशीष सर एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें जितने बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम वाले बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं, तो उन पर हम लोग पूरा एक वीडियो ही दे देंगे कि भैया इसी स्ट्रीम से किए हैं आप सारे लोग। अब ट्रिपल सी मांगा है तो एक मोटा मोटा हिसाब आप ये मांग लीजिए कि आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी अगर कोर्स है तो लगभग सारे लोग एलिजिबल हैं, फॉर्म सारे लोग डालिए कंप्यूटर ट्रिपल सी में, जाहिर सी बात है यार, 1 महीने 3 महीने का कोर्स होता है वो तो लगभग लोग किए रहते हैं, कंप्यूटर से संबंधित कोई कोर्स कर रखा कहीं भी पढ़ रखा, ठीक है, तो आप सारे लोग फॉर्म डाल सकते हो, तो अच्छे से जो है इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट करिए। पद तो भैया बहुत है, 396 पद कम नहीं होते हैं, एक ही दिन में आपकी टाइपिंग वगैरह भी है तो ये ध्यान रखिएगा, बाकी इसमें प्रेफरेंसेस वाली सारी चीजें हैं, ठीक है, कि किन लोगों को वरीयता दी जाएगी, तो उसमें एक तो आपका टीए के लिए है, टेरिटोरियल जो आपकी आर्मी के लिए है जिन्होंने 2 साल दे रखा है, और या फिर एनसीसी जिनके पास आपका वी सर्टिफिकेट है उनको भी इसमें थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलेगी, लेकिन पहले आपका 2 चीजें एसेंशियल है, आप सबसे पहले एग्जाम देंगे, साथ ही साथ उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होना है, इस बार दोनों एक साथ किया है तो ये चीजें चैलेंजिंग हो चुकी हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक, ठीक है, 21 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष आरओ एआरओ में, लेकिन जो कंप्यूटर असिस्टेंट वाले हैं कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए एज क्राइटेरिया 18 से लेकर के आपका 35 साल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर असिस्टेंट में एज क्राइटेरिया चेंज है, 18 साल से लोग डाल सकते हैं, और जो आपका आरओ है और एआरओ है इसमें आपका 21 वर्ष से 35 वर्ष, बाकी जो आपके ये तो जनरल वालों के लिए है, जो आपकी कैटेगरियों से कैटेगरी है डिफरेंट अलग अलग, ओबीसी हो गया एससी हो गया एसटी हो गया, इन सभी को छूट भी है, 5-5 साल जो चलता है, यानी वो सारे लोग आपके 40 साल तक डाल सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें और अगर चीजों की बात करें, एक सर्विसमैन को भी दी गई है 3 साल की राहत दी गई है, ठीक है, और अन्य जो भी है आपके चाहे एयरफोर्स वाले हैं आर्मी वाले हैं नेवी वाले हैं इन सभी को इसमें छूट दी गई है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फिजिकल हैंडीकैप जो है जो लोग विकलांग है उनके लिए जो छूट है वो 15 साल की दी गई है, ठीक है, वो साल जो लोग उत्तर प्रदेश आपके
राज्य के निवासी हैं ऐसे फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों को 15 साल की छूट दी जाती है, ठीक है, वो छूट इसमें आपकी मिली हुई है, सारे लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेशनलिटी तो सारे लोग जानते हो, इंडियन है, तिब्बतन है, इन सारे लोगों को यहां पर अलाउ होते हैं, रिफ्यूजीज हो रहते हैं। आगे इसमें जब हम बात करते हैं कि जैसे पेपर पैटर्न वगैरह, ये तो सारी चीजें आलोक सर ने कल डिस्कस ही किया था कि पेपर पैटर्न कैसे होगा। एक चीज इसमें जैसे नॉर्मलाइजेशन वाली जो प्रक्रिया होती है, नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया के लिए आलोक सर आपको विधिवत समझाएंगे एक वीडियो के माध्यम से कि क्या गलतियां नहीं करनी है, कहां पर चूक होती है, तो हमारे जो अंक अर्जित किए जाते हैं वो कैसे पिछड़ जाते हैं, उन सभी पर बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे क्या पढ़ना है। इन सभी की सारी वीडियोज आपको चैनल पर उपलब्ध होती रहेगी और कोर्स जो चल गया है उसमें बहुत जल्दी नोट्स लगा दिए जाएंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी शुरू कर दी जाएगी, 10 टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, पूरा नोट्स दिया जा रहा, वीडियो क्लासेस अलग से दी जाएंगी। तो इसमें सिलेबस के बारे में कल ही आलोक सर ने जो है जो वीडियो बनाई थी उसमें चर्चा की गई थी, 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, और कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखा गया है, शुरुआत में नहीं होता है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क 3 घंटे का पेपर, ठीक है, 180 मिनट आपके पास होता है, और सबसे पहले आपका सारी चीजें जो होती है ऑनलाइन एग्जाम होता है, इसीलिए आपके लिए टेस्ट सीरीज जो है संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, ऑनलाइन मोड से आप परीक्षा प्लस ऐप से देंगे, तो सबसे ज्यादा तो प्रैक्टिस इसमें ये जरूरी है। उसके बाद जो आपका सिलेबस जीएस वाला सारी चीजें दी हुई है वो उसी के अनुरूप है, तो परेशान नहीं होना है, आप संस्थान के साथ जुड़िए, जिस भी आप चीज में, कोई भी आपको ये नहीं समझना सर आज तक हमने ये नहीं पढ़ा, जो अभी इंक्वायरी आ रही उनमें यही बच्चों में उपा जो है स्थित बनी हुई है कि सर हमने ये नहीं पढ़ा ये कैसे होगा, तो आप सारे लोग शांत मन के साथ संस्थान के साथ जुड़िए। पिछली बार जो हमारा रिकॉर्ड आया उसको हम और भी बेहतर इस बार करेंगे और आप सभी के लिए इसलिए इस बार और जबरदस्त तरीके से सारी चीजों की शुरुआत की गई, जितना कुछ आपको सिलेबस दिया जा रहा बहुत ढंग से हर एक चीजें, जो कुछ अभी तक हमारा ऑफलाइन संस्थान का अनुभव रहा है और ऑनलाइन संस्थान का अनुभव रहा है उस हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं कि कैसे क्या होना है, इस पर जो आपकी डिटेल वीडियो है वो वीडियो आपको जो है मिल जाएगी जल्द ही आशीष सर के द्वारा, आशीष सर आपको सारी चीजें वहां समझाएंगे कि क्या चीजें आपकी कैसी होनी है, इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपकी एसेंशियल होती है। बाकी एक चीज आप सभी लोग जानकारी के लिए ये जरूर ध्यान रखें कि जिनको भी आपके जो है कोर्स में जुड़ना है, कोर्स में जुड़ने के लिए अभी आपका जो आपके शुरुआत वाले कुछ बच्चे हैं उनको, जैसा कि हर हमारे जो है बैच के शुरू होने में होता है, इस बार भी सभी को ऑफ दिया जा रहा, तो जो लोग इस कोर्स से जुड़ना चाह रहे हैं 499 में आपका बैच है जिसमें आपको नोट्स मिलेगी, टेस्ट सीरीज है, 10 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा और आपको वीडियो क्लासेस भी उपलब्ध कराई जा रही। केवल टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे उसका बैच अलग है, आप केवल टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं और आपको संपूर्ण कोर्स 499 में, 1000 का कोर्स है, 999 का, और अभी 50% आप, हम हर 100 बच्चों को अपने 50% आप देते हैं, तो जो लोग जुड़ना चाहें वो लोग अभी जुड़ सकते हैं, ठीक है, फॉर्म फिल करते रहिए, कोर्स अभी ले लीजिए क्योंकि 100 के बाद फिर ये 1000 रुपए आपका पहुंच जाएगा। सब कुछ इसमें है, प्रैक्टिस सेट है, सभी को बहुत ढंग से आपको पीडीएफ मिलती है, वीडियो क्लासेस मिलती है, जो सिलेबस होगा और आपको अन्य किसी भी जानकारी के लिए क्या कौन सी आपकी दिक्कत है, ये 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, इन पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें आपकी, अन्य जो भी आपको दिक्कतें हो रही आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उनके जवाब आपको जो है उपलब्ध कराए जाएंगे, ठीक है। बाकी कोर्स से जुड़ने के लिए अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बताइए और इन नंबर पर आप कॉल करके हमसे अन्य डिटेल जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद, एक पूर्ण जो है ऊर्जा के साथ लगिए, एक दिशा के साथ लगिए, लक्ष्य सामने है तो बनिए अर्जुन और लगाइए निशाना, टीम परीक्षा प्लस आप सभी के लिए जो है साथ है। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।